ऊपर जो वो इंडिकेटर है। भली महिला हैं, भद्र महिला हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन चूंकि वो बाहर से दूसरे प्रदेश से आई हैं तो वो इनके बारे में नहीं जानती क्या थे, इनका अतीत कैसा था, किस तरीके से थे। आपको शायद नहीं मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश से चाहे डॉक्टर हों चाहे इंजीनियर हों, उनके पति का हत्या हुई, उनकी पत्नी आज भी अपने सिंदूर को पोंछ चुकी हैं, मंगलसूत्र उनका टूट चुका है। एक ताज़ा मामला कल का आया है, धनंजय सिंह को बरेली सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया, अचानक से उनकी पत्नी को 2002 का मामला याद आया जिसमें उनको AK-47 से हमला हुआ था, क्योंकि फिर हत्या की आशंका उन्होंने जताई है कि उन पर हत्या उनकी हो सकती है, इस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि वो मामला आपसे भी जुड़ा था 2002 वाला। जी, और कुछ पूरी बात बताइए। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है और बिना नाम लिए उन्होंने कहा था कि AK-47 चली थी उनके ऊपर। अच्छा अच्छा, और इस पर पहले सिंदूर मंगलसूत्र भी था कुछ पहले इस पर आप बता पहले क्या। देखिए, जहाँ तक मुकदमे की बात है वहाँ कुछ नहीं प्रूव्ड हुआ है कि AK-47 चली थी, और मुकदमे के बारे में बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जिस समय की वो घटना है उस समय मैं अयोध्या में सरकारी अस्पताल में भर्ती था, मेरा इलाज चल रहा था, जिसका बयान दे चुके हैं जाके डॉक्टर्स वहाँ के, प्रूव कर चुके हैं, फार्मेसिस्ट प्रूव कर चुका है, डॉक्टर प्रूव कर चुका है कि अभय सिंह वहाँ पे भर्ती थे उस समय घटना के समय अस्पताल में। उस घटना के पहले मैं भर्ती हुआ हूँ, घटना के बाद में वहाँ डिस्चार्ज हुआ हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जिस गाड़ी पे वो गोली चलने की बात कर रहे हैं, जो कि एक फैब्रिकेटेड केस है, उन्होंने फैब्रिकेट किया था, उस गाड़ी पे कभी कोई गोली चली नहीं। जो नंबर उन्होंने गाड़ी बताया है उस नंबर पे कोई सफारी गाड़ी है ही नहीं, उस नंबर पे एक JCB मशीन रजिस्टर्ड है जो कि महाराष्ट्र से आकर के यहाँ कोर्ट में बयान दे चुका है कि हाँ MH-04B5817 नाम की कोई गाड़ी नहीं थी, जो FIR में है, जो चार्जशीट में है, जो इनके 161 के बयान में है, जो हर जगह कहा गया है, और उस नंबर पर JCB मशीन रजिस्टर्ड है। तो इसके मतलब मुकदमा फैब्रिकेटेड थे, अगर ऐसी कोई नंबर गाड़ी डाल रखना चाहते तो एक चोरी गाड़ी चल रहे होंगे, सिर्फ खुद गोली चला करके मुकदमा लिखा दिया उन्होंने हमारे ऊपर। बताइए कि कल उन्होंने कहा कि उनका मंगलसूत्र और सिंदूर ये जो है खतरे में है, उन्होंने प्रधानमंत्री के एक बयान को कोट किया और कहा कि उनकी आशंका है कि हत्या की जा सकती है। देखिए, ऐसा है, किस प्रकार से देखते, कहीं ना कहीं वो भी वो भली महिला हैं, भद्र महिला हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन चूंकि वो बाहर से दूसरे प्रदेश से आई हैं तो वो इनके बारे में नहीं जानती क्या थे, इनका अतीत कैसा था, किस तरीके से थे। आपको शायद नहीं मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश से चाहे डॉक्टर हों चाहे इंजीनियर हों, उनके पति का हत्या हुई, उनकी पत्नी आज भी अपने सिंदूर को पोंछ चुकी हैं, मंगलसूत्र उनका टूट चुका है, चाहे लखनऊ में गोपाल सरन श्रीवास्तव इंजीनियर की हत्या की हो इन्होंने, उसमें उसकी पत्नी का रोना भी लखना आज तक आपको पुराने वीडियोस देखिए तो उसे पता चले किस तरीके से पत्नी रो रही, बिलख रही, परिवार रो रहा, बिलख रहा है। इसी प्रकार डॉक्टर बच्ची लाल जो कि अनुसूचित जात के थे, दलित समाज के थे, उनकी हत्या हुई, उनका परिवार किस तरीके से बिखर गया, रोता रहा, टूटता रहा, बर्बाद हो गया। हमारे गाँव का लड़का संतोष सिंह था, उसकी माँ की कोख सूनी हो गई, उसको उन्होंने जहर दे करके मार दिया, उसका रोना बिखरखना किसी को याद नहीं है। इसके अलावा अभी आपने लेटेस्ट देखिए, रानू सिंह हैं, रानू सिंह के पति अजीत सिंह के लखनऊ में हत्या हो गई, जिनके हत्यारे इनके पिता के फ्लैट पे लखनऊ में थे, जो कि उसमें मुलजिम बनाए गए, उनका रोना बिलखना, उनका सिंदूर का पूछना, उनका मंगलसूत्र टूटना किसी को याद नहीं है। तो आज ये सब देखिए, उन्होंने जो बयान दिया वो एक स्क्रिप्टेड था, लिख करके भेजा गया था, आप सामने उन्होंने पढ़ दिया। उनको भली महिला हैं, उनको उत्तर प्रदेश बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो उनके पति ने बताया या सूचना दिया वो उन्होंने कह दिया। बाकी आप देख रहे हैं कि सिंदूर किसका पूछा जाता है, मंगलसूत्र किसका टूट रहा है, इसकी जानकारी उनको नहीं है। जिसके लिए वो कह रही हैं वो खुद ही दूसरे के सिंदूर पूछने वाले और मंगलसूत्र तोड़ने वाले लोगों में से हैं। अदावत है अभी, हम उनको कोई विरोधी मानते नहीं, हो तो झूठे हमारे पीछे लगे रहते हैं। उस समय उन्होंने ऐसी घटना फैब्रिकेट इसलिए किया कि हम पे हमला करा सके, पुलिस से एनकाउंटर करा सके, क्योंकि यहाँ पे जब वो रहते थे तो नाना उससे हमारे MP थे, इन पे इनाम घोषित था 50,000 रुपये, यही जो इंजीनियर हत्याकांड था, और वो चाहते थे कि इसमें उनकी मदद की जाए। मायावती की सरकार थी, भाजपा के समर्थन से बनी थी और भाजपा के नाना MP थे, तो चाहते थे इनकी मदद हो जाए, इनका नाम निकल जाए, इनकी मदद नहीं। उसके बाद से अदावत मानने लगे हमसे, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तेदारों से, और उसको लेकर के इतना नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए कि इस तरीके से फर्जी मुकदमे फंसा के हमारी हत्या साजिश रचने लगे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने लोगों द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग जुड़े हुए हैं, ये लॉरेंस ने इंट्रोगेशन में कबूला भी है
कि ये हमारा आदमी है जो उत्तर प्रदेश हमारे टोल की वसूली करता है, हमारे और एक्सटॉर्शन संबंधित काम करता है, तो लॉरेंस गैंग से जुड़ करके ये हमारी हत्या कराना चाहते हैं, लगातार ये लगे रहे। आप दोनों की दोस्ती रही के किसी तरीके से उस दबाव में? अब कोई किसी को कहने कोई रोक तो सकता नहीं कुछ, मैं जो कुछ बोलूंगा तथ्यों बोलूंगा, जिसको आप कोई प्रमाणित कर सकते हैं, जो भी चीज़ें बताऊंगा आपको, हमारे जाने के बाद भी आपके पास माइक रहेगा, हमारी आवाज़ रहेगी, हमारा चेहरा रहेगा, मैं जो बोला हूं उसको प्रमाणित कर सकते हैं आप कहीं से भी। अखिलेश यादव से कुछ बात होती है क्या इधर भी चुनाव को लेकर? नहीं, मैं कोई बात नहीं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से दूरियां हो गई कहाँ? आप कह रहे बात नहीं हुई? हाँ, इधर भी बात नहीं हुई हमारी। चुनाव के पास से? हाँ, क्रॉस वोटिंग नहीं, इधर काफी समय बात नहीं हुई। इसको किस प्रकार से देखते हैं? उनकी पत्नी हमारे लिए सम्माननीय है, महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ तक बहन मायावती की बात है तो आप लोग आज से 20 साल पीछे चले जाइए और 20 साल पीछे जा करके इनके बयान देखिए कि जब इनको मायावती जी ने ही जेल में बंद किया था, इनकी माँ की मौत हुई थी, उस समय कैसा कैसा इनका बयान आया था, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। किस तरीके से मायावती के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था, किस तरीके से बसपा के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था, आप लोगों को याद होगा। अब जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात होती है, भ्रष्टाचार के बाद जहाँ तक जिला पंचायत में है, आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर लोकायुक्त जांच करा रही हैं, उसकी जांच कमिश्नर के यहाँ, एक कमिश्नर के यहाँ से हमको लगता है आपके जिले में आ गई, उसमें त्रिस्तरीय कमेटी गठित हुई है, जांच चल रही है, जहाँ तक हमको जानकारी है, सरकार ने जांच कराई है, लोकायुक्त के यहाँ कंप्लेन हुई तो लोकायुक्त ने जाँच कराई है। सपा के पक्के सिपाही आप, अचानक से मूड बदला? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी में विधायक हूँ, समाजवादी पार्टी के सिंबल से जीतता हूँ, लेकिन समय भगवान राम के ऊपर हमको विश्वास है, अब भगवान राम से ऊपर कोई नहीं है। जहाँ भगवान राम की बात है, रामायण के रामचरितमानस फाड़ी गई, ये क्या उचित था? भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन जन तक, घर घर तक भगवान राम को हिंदी भाषा में पहुँचाया, हमारे लिए गोस्वामी तुलसीदास पूजनीय है, भगवान राम की पुस्तक पूजनीय है। अगर भगवान राम की पुस्तक फाड़ी जाती है, भगवान राम का कहीं अपमान होता है, भगवान राम के खिलाफ कहीं कोई बोलता है, तो हम उसके साथ नहीं। तो अभी आप भाजपा में हैं, जा रहे हैं मतलब इसका? नहीं, भाजपा में हम नहीं हैं, लेकिन लेकिन हम क्या कहते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी की नीतियां अच्छी हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रही हैं, ये रास्ता बन रहा है जाने का भाजपा। आपके पिता, आपकी पत्नी ज्वाइन कर लिए हैं? हाँ हाँ, भाजपा चले गए। तो इसमें एक सवाल ये जुड़ता है कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, अगर चुनाव प्रचार करना हो तो अभय सिंह जौनपुर में किसका प्रचार करेंगे? चुनाव प्रचार जौनपुर ही नहीं, जहाँ भी करेंगे, जो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करे, पार्टी बताए, जो राष्ट्र को आगे करे, जो सबको मजबूत करे, जो धर्म को मजबूत करे, सनातन को मजबूत करे, हम उसके साथ हैं। बता दिया ना, जो धर्म को मजबूत करे, सनातन को मजबूत करे, हमारी हमारी संस्कृति को मजबूत करे, जहां रामचरितमानस का सम्मान हो, भगवान राम की जय जयकार हो, हर हर महादेव का नारा लगे, हम वहाँ हैं। कौन पार्टियां नहीं करती अभी बता दीजिए? हाँ, कौन पार्टियां नहीं? वो आप भी देख रहे हैं, जहाँ सम्मान हो रहा है कहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। बयान है अभय सिंह का, हाँ, राजनीति, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नेताजी का मेरा मेरे ऊपर बहुत एहसान रहा है, राजनीति छोड़ना पसंद करूंगा, हाँ हाँ, दल नहीं बदलूंगा। लेकिन आप ये देखिए, फिर उसी के बाद जब राज्यसभा वोटिंग की बात हुई तो ये हुआ कि अभय सिंह समेत कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग की और जवाब मिला कि अंतरात्मा की आवाज आई और ये लाई। आज हम उसको पूरा खोल देते हैं, नेताजी आज हैं, नेताजी ने क्या कांग्रेस से कभी गठबंधन किया, कभी तुष्टिकरण की राजनीति जो जिस तरह कांग्रेस करती रही, क्या उस तरीके से नेताजी ने किया? बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या जिस तरीके से कांग्रेस दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को छीन करके उसको मुस्लिमों को देना चाहती है, क्या उसके साथ नेताजी ने कभी कंप्रोमाइज़ किया? जब नेताजी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया तो किसी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। तो क्या ये बातें दल के अंदर नहीं होती थी जब अभय सिंह मिलते थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, तो क्या इस तरह की बातें नहीं? नहीं, इस पर तो बहुत पंचायत हुई, मनोज पांडे जी ने किया, राकेश प्रताप सिंह जी ने किया, रामायण फाड़ने के नाम पे, रामचरित मानस फाड़ने के नाम पे, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। क्या जवाब मिला था उसको? क्या मिला? अब वहाँ बातचीत चलती रही, जब जवाब नहीं मिला, आप हमको भी टालेंगे, उनको भी टालेंगे, तो कैसे हल होगा? जौनपुर की लोकसभा का चुनाव का समीकरण किस प्रकार से ये जितने मुकदमे छूटे हैं सब में तो होस्टाइल हुए हैं। होस्टाइल होना आप क्या अच्छी प्रक्रिया मानते हैं? आप बताइए, आप लोग तो समाज के चौथे आधार स्तंभ हैं कि आदमी को दो घंटा आप मारा, आदमी जाके मुकदमा लिखा है, बाद में कहना ही बाबू हमें ना ही मारी, हम बाबू के नाम गलती से लिखा दिए, एक घटना फर्जी, दो घटना फर्जी, पाँच घटना फर्जी, दस घटना फर्जी, क्या 26 घटना ऐसे फर्जी हो जाती है?
तो इसके लिए भी हिंदुस्तान में कानून बना है। उनकी पत्नी ने कहा कि मायावती जो है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।